हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सरबजीत कुमार, मैथ मास्टर, सरकारी मिडिल स्कूल खोजपुर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। जिवें कि आपां सब नूं पता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं मनाउण दे लई विद्यक मुकाबले करवाए जा रहे हन। हुण तक 8 मुकाबले करवाए जा चुके हन ते 9वां मुकाबला, जिसका नाम है सुंदर लिखाई मुकाबला, जिहड़ा कि 26 अक्तूबर तों लैके 30 अक्तूबर तक चलेगा। विद्यार्थियों कोल इस मुकाबले विच पार्टिसिपेट करन दे लई 5 दिन होणगे। ते आओ सब तो पहला असीं इन्हां दे नियमां दी जानकारी लैंदे हां। सुंदर लिखाई मुकाबले लई नियम इस तरह हन। नंबर 1, समा प्राइमरी अते मिडल वर्ग लई 40 मिंट अते सेकेंडरी वर्ग लई 30 मिंट होवेगा। यानी कि पहली क्लास तो लैके 8वीं क्लास तक बच्चों ने 40 मिंट अते 9वीं तो 12वीं क्लास तक के बच्चों लई 30 मिनट का समा होगा। नंबर 2 ते है सुंदर लिखाई लई शीट का आकार A3 यानी कि 12x17 इंच का होना चाहिए है। इसकी डिटेल जानकारी असी वीडियो विच अगे दिती हुई है। पहली तो लैके 12वीं तक के सारे बच्चों ने A3 शीट ही इस्तेमाल करनी है। नंबर 3 ते है विद्यार्थियों वालों पैरे नू लगा मात्रा सने पूरा अते सही लिखना जरूरी होगा। जिहड़ा भी पैरा तुहानू दित्ता गया है किसी अध्यापक वालों जां तुसी अपने कोलों लिख रहे हो, उहदे विच लगा मात्रा दियां बहुत ध्यान रखना है, कोई कटिंग नहीं करनी है। नंबर 4, प्राइमरी वर्ग लई सुंदर लिखाई का पैरा लगभग 35 शब्दों का अते मिडल अते सेकेंडरी पद्धर लई लगभग 50 शब्दों का होगा। यानी कि पहली तो लैके 5वीं तक के क्लास के बच्चे ने जिहड़ा पैरा लिखना है उहदे विच लगभग 35 शब्द जरूर होने चाहिए हैं। और 6वीं क्लास तो लैके 12वीं क्लास तक के सारे बच्चों लई शब्दों की गिनती 50 तक होनी चाहिए है। नंबर 5 है सुंदर लिखाई करन लई जोक समगरी जिमें काने, बांस अते बरू दी कलम, स्याही अते वधिया कागज़ आदि की वरतों लाजमी है। असी किसी भी तरह के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, कलम का इस्तेमाल ही करना है। नियम नंबर 6 विच लिखा है कि विद्यार्थियों ने सिर्फ काली जां नीली शाही दी वरतों करनी है, किसी भी किस्म दे पेन, निब जां होर किसी फ्लूइड दी वरतों नहीं करनी। नियम नंबर 7, प्रतियोगी अपने अक्षरों के आकार अनुसार पेंसिल नाल किसी भी साइज विच लाइना लगा के अपनी लिखाई की पेशकारी कर सकता है। जाने कि असी अपनी लिखाई के अनुसार लाइना लगानियां हन, जिसकी डिटेल जानकारी अगे वीडियो बेच दिती गई है। नियम नंबर 8 अते 9, सानू सब नू पता ही है कि लिखाई लिखते समय असी 2 फोटोआं अध विच अते 2 फोटोआं अंत विच खिचनियां हन, ते नाल ही असी 3 मिनट दी वीडियो भी बनानी है। प्यारे विद्यार्थियों, सुंदर लिखाई दा पैरा लिखते समय तुसी एक गल दा ध्यान रखना है कि पैरा सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जीवन जां उन्हां दे फलसफे उपर ही नाल ही संबंधित होना चाहिए है। इस दे लई तुसी बाणी विचों उन्हां दे शब्द भी ले सकते हो। और इस तों अलावा अगर जेकर तुहानू कोई पैरा तुहाडे अध्यापक कोलों दित्ता जांदा है तां तुसी फिर ओह पैरा ही लिखना है। सुंदर लिखाई मुकाबले दे लई सब तों पहलां जिहड़े समान दी लोड़ पैगी ओह इस तरह है। सब तों पहला है शाही। शाही तुसी ब्लैक कलर दी भी लै सकदे हो, ब्लू कलर दी भी लै सकदे हो। उस तों बाद कलम। कलम जिवें कि सानू नियम विच दस्या गया है, कलम 3 तरह दी है, बांस दी कलम है, बरू दी कलम है जां काने दी कलम है। तुसी तिन्नां विचों जिहड़ी भी तुहानू उपलब्ध होवे ओह लै सकदे हो। कटर दी जरूरत पैगी, पेंसिल, इरेजर, टेप और सीजर दी लोड़ पै सकदी है। हाशिया लगाउण दे लई तुहानू कलर दी लोड़ भी पै सकदी है। हुण गल करदे हां असीं सब तों पहलां शीट दी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ A3 ਸ਼ੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ A3 ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ A3 ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। A3 ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, A3 ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 12x17 ਦੀ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਇੰਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 17 ਇੰਚ ਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 17 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12x17 ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A3 ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12x17 ਦੀ A3 ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਣੀ A3 ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ।
इस तरह आपां सारी शीट नूं कवर करना है। पूरी शीट ते लाइनां लग चुकिया हन, हुण लिखाई लिखण लई साडी शीट बिल्कुल तैयार है। हुण उस तों बाद सब तों जिहड़ी जरूरी चीज है ओह है अपनी कलम। कलम नूं तैयार करन दे लई सानूं एक कटर दी जरूरत पवेगी। आओ कलम तैयार करिए। कलम नूं तैयार करदे समें तुसी एक चीज दा ध्यान रखना है कि तुसी जिस तरह दी लिखाई लिखना चाहुंदे हो कलम भी उस तरह दी ही कटी जाएगी। जेकर तुसी मोटी लिखाई लिखना चाहुंदे हो तो कलम दी निब जिहड़ी है ओह मोटे आकार दी होएगी। अगर तुसी बरीक लिखाई लिखना चाहुंदे हो तो कलम दी जिहड़ी निब है ओहनूं बरीक रख्या जाएगा। तो आओ असी एक रफ पेज ते लिख के पंजाबी दा कोई अक्खर लिख के देखदे हां कि दोनों विच की फर्क है। ਇਹ ਹੈ ਮੋਟੀ ਲਿਖਾਈ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਨਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਬਰੀਕ ਨਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਰੀਕ ਲਿਖ ਹੋਈ, ਮੋਟੀ ਨਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੋਏਗੀ।
प्यारे विद्यार्थियों, जेकर तुहानू ये वीडियो पसंद आई होवे तां इसनू लाइक करके अगे अपने दोस्तों नाल शेयर करो और अगलियां वीडियोज़ देखने लई साडे चैनल नेचर एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नू सबसक्राइब जरूर करो और तुहाडे मन विच अगर कोई सवाल कोई क्वेरी है तो सानू कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजो, असीं तुहाडे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।